कि समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये काम को उठा लेना चाहिए। मित्रों, देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो 5 साल की सरकार कुछ नहीं कर सकती। मैं 5 साल की सरकार कुछ नहीं कर सकती ऐसा कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीजों से हम भागते हैं। महंगाई तो हम 5 साल में कम कर सकते हैं, देश की सीमाओं को तो हम 5 साल में सुरक्षित कर सकते हैं, विदेश नीति को रीड्राफ्ट करके भारत का गौरव तो प्रस्थापित कर सकते हैं, आर्थिक विकास कर सकते हैं, युवाओं को रोजगारी भी दे सकते हैं, गरीबी भी दूर कर सकते हैं, बेकारी भी दूर कर सकते हैं, मगर 5 साल के अंदर भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने का सपना समाप्त नहीं होता। वो तभी हो सकता है जैसे कांग्रेस को आजादी के बाद एक समय मिला था, पंचायत से पार्लियामेंट तक 1950 से 1967 तक पूरी शासकीय व्यवस्था उनके हाथ में थी। इस तरह से आज से लेकर 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर चुनाव में विजय ही विजय प्राप्त करना होगा, तब जाकर ये काम हम समाप्त कर पाएंगे। और मित्रों, अगर 11 करोड़ कार्यकर्ता और इतने मंझे हुए संगठन के नेता और स्वीकृति प्राप्त जनमत प्राप्त इतना हमारा चुने हुआ नेतृत्व अगर एक साथ एक दिशा में एक मन से एक उत्साह के साथ एक गति के साथ काम करता है तो मैं मानता हूं कि 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। हमारा भविष्य विजय ही विजय है और कुछ नहीं है मित्रों। और इसी दृष्टि के साथ भारतीय जनता पार्टी के काम को पुनः एक बार हमें गति देनी है। पार्टी ने 14 नए इनिशिएटिव लिए हैं और 70 विभागों में काम को बांटा है। इसके आधार पर काम की रचना होनी चाहिए। देश के हर जिले में एक समान प्रकार से पार्टी चले, इस प्रकार की पार्टी की रचना करनी है। नए कार्यकर्ता को बनाना है, उनको प्रेरणा देनी है, उनको वैचारिक दृष्टि से एक नया आधार देना है मित्रों, तब जाकर ये पार्टी लंबे समय तक देश का नेतृत्व कर सकती है। ये दो प्रांत भारतीय जनता पार्टी के गढ़ हैं। विजय हमें हमेशा यहाँ प्राप्त होती है, मगर यह हमारा दायित्व तो है, ये दोनों प्रांतों का दायित्व तो है कि यहाँ से ऐसा नेतृत्व निकले कि जो दूसरे प्रांतों में जाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाए। इस प्रकार की अपेक्षा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं से। आपके जिम्मे सिर्फ ये दो प्रांतों के विजय की जिम्मेदारी नहीं है, एक अच्छी पार्टी बनाना, एक अच्छा मॉडल बनाना जिसको देखने केरल का कार्यकर्ता है, जिसको देखने अरुणाचल का कार्यकर्ता है, जिसको देखने त्रिपुरा का कार्यकर्ता है। ये मॉडल बनाने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं की है मित्रों।